कोई है यहां पे? तुम इधर आओ, इधर आओ जल्दी। जी बीबी जी। क्या क्या कहा तुमने मुझे? बीबी? गॉड, कान खोल के सुन लो और बाकी सब नौकरों को भी बता देना कि सब मुझे सोनिया मैडम कह के पुकारेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सोनिया मैडम। जी मैडम। अब मुझे ये बताओ, मेरी चाय में चीनी किसने डाली है? मैडम बोलो, जवाब दो। मेरी चाय में चीनी तुमने डाली है? नहीं नहीं मैडम। तुमने नहीं डाली तो फिर किसने डाली? वो जवाब दो। बाकी नौकर कहां मर गए सारे के सारे? तुम इधर आओ। मेरी चाय में चीनी तुमने डाली है? हाँ। क्या हो गया है तुम लोगों को? गूंगी हो गई हो तुम? पहले मेरी चाय में चीनी डाली, अब प्लेट तोड़ दी। God, this is ridiculous. अभी इसी वक्त तुम इस घर से आउट, निकल जाओ यहां से। तुम भी सारे के सारे नौकर फारग हैं आज से। जाओ जाओ, गेट आउट आई सेड। गॉड, सर में दर्द करवा दी इन सबने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हाँ बस ठीक। क्या हुआ? सर में दर्द करवा दिए इन सर्वेंट्स ने। सुबह से मेरे पास आ रहे हैं, कभी कोई आके कहता है कि पेट्रोल लाना है, जनरेटर में है नहीं। कोई कहता है बिल्स पे करने, पैसे दें। कोई कहता है गोश्त नहीं है, ग्रोसरीज लानी है, सब्जी। एक ने तो कह दिया कि मुझे अगर आज पैसे ना मिले तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। मैं क्या करूं? तुमने मुझसे कह दिया होता? आप सो रहे थे ना, अभी छोटी छोटी बातों पे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा तो नहीं लगता। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस महीने का खर्च आप मुझे ही दे दीजिए, मैं ही हैंडल कर लूंगी ना ये सब। ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पूरे घर का खर्च तुम अपने हाथ में ले लो। ये लो, आज से पूरे घर का खर्च तुम चलाओगी। 5 लाख? 5 लाख बस? मैं पूरा महीना सिर्फ 5 लाख रुपए में कैसे? That's not possible वकार, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। इतना बड़ा घर है, नौकरों की फौज है, सारा दिन बस कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। चाय तो पूछिए मत, पानी तो जैसे हराम है उन सब पे। इतने सारे और अखराजात हैं, बिल्स हैं, 5 लाख में क्या होगा? मगर सोनिया, पहले इतने ही पैसों में पूरा घर चलता है। देखिए, पहले आप ये सब हैंडल कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये सब इतनी रकम में, इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे भी अखराजात बढ़ भी तो जाएंगे, मैं हूँ, मेरा आने वाला बच्चा है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है, लेकिन बस ठीक। लाइए पहला बार ना। थैंक यू। हाँ,
रही बाबा, अब ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? शुक्र है रगिस बेटा कि आप आ गई। मुझे सोनिया मैडम ने नौकरी से निकाल दिया है। क्या? अच्छा आप जाइए और जाकर कैब से मेरा सामान लेकर आइए। जाइए। आप कहीं नहीं जा रहे। नहीं बाबा, सोनिया ने ऐसे कैसे आपको नौकरी से निकाल दिया? इतने सालों से आप हमारे यहाँ हैं, आप हमारे मुलाजिम नहीं हैं। बचपन से आप यहाँ पर हैं और साथ को तो आपने ही पाला है, ऐसे कैसे उसने आपको निकाल दिया? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैंने कहा ना, आप अपने क्वार्टर में जाएं। अब ठहरो रहीम बाबा, ये आपके लिए। अरे रहीम बाबा, ये आपके लिए है, लीजिए। जी जी। और हाँ प्लीज मेरा सामान अंदर रख। बेहतर दीदी, बेहतर। आप अचानक और कैसे? भाई मैंने ये सोचा कि तुमने ऐसे अचानक से शादी करके मुझे सरप्राइज कर दिया, तो बस पहुंच गई मैं तुम्हें भी सरप्राइज देने के लिए। वो पापा एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि खैर छोड़े ना इन बातों को, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। ओके ये बताओ कि भाई वो दुल्हन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो दुल्हन ले वो आ गई। हाला ये ले मिठाई, मुंह मीठा करे। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो। हाला अब तो आप बेफिक्र हो जाइए, ऐनी तो राज करेगी राज इस घर में। चारों बच्चे बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं अपनी नई माँ का, और नोमी वो तो इतना खुश है कि सिकंदर की शादी हो रही है। सोनिया आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, सब कह रही थी कि वो दुल्हन के हाथ की बनी हुई खीर खाएंगी। तो कुक से कह दीजिए वो बना देगा खीर। खीर तो दुल्हन ही बनाती है, ये तो हमारे खानदान की बरसों की रिवायत है। वैसे भी इन लड़कों को क्या मालूम, ये तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि इस घर में कोई औरत आई। एक्चुअली क्या है ना नरगिस आपा, कि मुझे खीर बनानी नहीं आती। इनफैक्ट मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, और खीर उसमें इतना मीठा होता है। मीठा तो मेरे लिए जहर है ना, मोटी हो जाऊंगी।
मैं हेल्प कर दूंगी खीर बनाने में। और वैसे भी सोनिया, एक दिन खीर खा लोगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली आप आज नहीं, आज बात क्या है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे लंच के लिए इनवाइट किया है, सो आई हैव टू गो देयर। इन फैक्ट ओह लुक एट द टाइम, मुझे तो तैयार भी होना है। आपको कुछ चाहिए होना, कुछ बनवाना हो तो नौकरों से कह दीजिएगा। ठीक है, खीर किसी और दिन बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। और सुनिए, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप क्यों, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन ना, मेरी ड्राइव भी हो जाएगी और मैं तुम्हें रेस्टोरेंट भी छोड़ दूंगा। जाओ सोनिया, कितने प्यार से तुम्हारा शोहर कह रहा है ये तुम्हें ड्रॉप कर देगा, जाओ। आर यू श्योर? आई मीन मुझे अभी तैयार होना है, चेंज करना है। इट्स ओके, आई कैन वेट। ओके, वकार ये साथ कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। आप कहाँ जा सकता है, कहीं सो रहा होगा या कहीं निकला होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही आजकल लड़का किन हवाओं में। छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ऑफिस से देर हो रही है आपको, अब ऐसे घर वापस कैसे आओगी? फ्रेंड्स के साथ हूँ, किसी ना किसी के साथ आ जाऊंगी। रिलैक्स, डोंट वरी, आई सी यू लेटर। टेक केयर। थैंक यू, बाय। एनी, एनी बेटा। जी नानी। यहाँ आओ। जी नानी। यहाँ बैठो जरा। एनी बेटा देख, अभी तो बात पक्की हुई है, तो तेरे ससुराल वालों ने ये भेजा है, जरा पहन कर तो दिखा, बहुत प्यारी लगेगी। प्यारी तो प्यारी लड़कियां लगती है नानी। अरे तो मेरी बेटी भी तो बहुत प्यारी है। इतनी प्यारी हूँ तो फिर क्यों कर रही हो मेरी शादी सिकंदर से? बहुत जबान चलती है तेरी, बहुत सवाल करने लगी है तू। नानी मैंने आज तक कभी कोई सवाल नहीं किया, पर ये मेरी जिंदगी का मामला है, इस पे तो सवाल करने का हक दो। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे लिए कोई गलत फैसला करूंगी? मैं जानती हूँ नानी तुम्हें बुरा नहीं सोचेगी, पर नानी एक बार और सोच ले। कितनी बेवकूफ है तू, अरे तेरी उम्र की लड़कियां तो शादी का इंतजार करती हैं, कितने अरमान होते हैं उनके कि शादी के दिन वो कौन सा जोड़ा पहनेगी, उसके साथ कौन सा जेवर पहनेगी। अरे ये तो कई सालों पहले वो सोच कर बैठी होती है, और एक तू है, तेरे ससुराल वाले इतना कुछ दे कर गए हैं तुझे, और तूने अभी तक एक मिठाई का डब्बा भी खोल के नहीं देखा, बड़ी ना शुक्रिया तू। चल अब जरा पहन कर तो दिखा। अच्छा नानी पहले मैं कपड़े सिलू फिर पहन के दिखाती हूँ। चल ठीक है, ये ले जा।
साथ प्लीज, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। तुम तो जानते हो इस फील्ड को। मैं कोई बड़े बाप की बेटी तो हूं नहीं जिनकी सिफारिशों पर मैं आगे बढ़ सकूं। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सोनिया, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते होते हैं। शिट, एक मुश्किल रास्ता होता है, मेहनत का रास्ता, और एक रास्ता वो है जो तुमने चुना। उठा उठा, मर जाएगा साले, जल्दी उठा। इसको इसी टाइप का फोन। हेलो हेलो बिलाल, हेलो, यार सिग्नल नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं और सोनिया आपके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। ओ, अच्छा, तो फिर मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई, अब तो सरप्राइज रहा ही नहीं। प्लीज व्हाई डोंट यू जॉइन अस, हमारे साथ लंच करें ना। नहीं नहीं साथ, मुझे देर हो रही है, बस ये फोन रह गया था सोनिया का गाड़ी में, वो देने आया था। साथ तुम मुझे किसी लड़की से मिलवाने वाले थे। वो ऑफ कोर्स भाई, मैं बिल्कुल ही भूल गया, मैं आपको जरूर मिलाऊंगा उसे, बहुत जल्द मैं आपको उसे मिलूंगा। चलो ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं चलता हूं। बाय श्रीनाथ। बाय। एनी, अब तुम्हारी बात पक्की हो गई है,